अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि इस वक्त मैं वॉशरूम में और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपनी मानो के जो फंगल इन्फेक्शन उसके बैक पे हुआ था उसको मैंने किस तरीके से ठीक करा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, गर्मियों में कैट्स को फंगल इन्फेक्शन या फिर स्ट्रीक या फ्लीक्स वगैरह हो जाती हैं, तो उसको मैं किस तरीके से ट्रीट करती हूँ अपनी कैट को लेकर। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन में ये होता है कि अगर एक कैट को हो जाए तो एक से दूसरे को लगना स्टार्ट हो ही जाता है किसी ना किसी तरीके से। और आप लोग देख सकते हैं कि मानो को इतना गंदा फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ था, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इतना गंदा कि इसके ये पूरे बाल निकल गए थे, पूरे बैक से बाल निकल गए थे यहाँ पे पूरे, और इसके बाल आ ही नहीं रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये फंगल इन्फेक्शन काफ़ी ठीक हो चुका है। और इसको मैंने किस तरीके से ठीक किया है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप लोगों के जैसे बहुत सारे लोग जो है वो गाँव वगैरह की तरफ रहते हैं, शहर की तरफ नहीं रहते, तो उनका हॉस्पिटल वगैरह जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है या पेट क्लिनिक वगैरह, तो वो घर में भी इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं और बहुत ही कम पैसों में ठीक कर सकते हैं। किस तरीके से ठीक कर सकते हैं आज आप लोगों को प्रॉपर गाइड करने लगी हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इतनी ज़्यादा गर्मी में वीडियो शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट मैं आप लोगों के लिए सारी चीज़ें करती हूँ। तो वीडियो को लाजमी से लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करा करो। अगर और भी बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, आप लोगों को बताती हूँ। बेसिकली आज मैं अपने बच्चों को देने लगी हूँ बाथ, और वो भी मेडिकेटेड बाथ, फंगल इन्फेक्शन के लिए या डिजीज वगैरह के लिए जो बाथ दिया जाता है, जो कि आप डॉक्टर वगैरह के पास भी लेकर जाते हैं अपनी कैट को, तो वहां पर भी इसी तरीके का प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट होता है। आज मैं घर के अंदर वो करने वाली हूँ, और इसे 2-3 दफा मैं कर चुकी हूँ अपनी कैट की ये फंगल इन्फेक्शन खत्म करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी कम भी हो गया और वहां पर उसके हेयर्स आना भी स्टार्ट हो गए। तो किस तरीके से मैंने इस चीज को ओवरकम किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और प्रॉपर पूरा पूरा बात दिखाऊंगी आप लोगों को कि क्या क्या चीजें मैंने उसके अंदर इस्तेमाल करी थी, आप लोग भी घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपकी कैट को भी अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई डिजीज या स्किन इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो आप उसको घर में किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने इस तरीके का टब लेना है अपनी कैट्स के लिए नहलाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी कैट्स जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, उनको नहाने की इतनी ज़्यादा आदत नहीं होती और कैट्स को पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, तो वो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग क्या कर सकते हैं, मैंने अपनी कैट को किस तरीके से आदत डलवाई है इन चीज़ों की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे पायोडीन। अच्छा, पायोडीन का एक स्क्रब आता है, वो मुझे नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा पायोडीन ले रही हूँ। अगर स्क्रब होता तो वो डायरेक्ट मैं अपनी कैट की बॉडी पर डालती हूँ, उससे उसके स्किन की जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, कोई डिजीज़ वगैरह होती है, तो उससे उसको काफ़ी हेल्प मिलती है और काफ़ी जल्दी ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं इसके 3-4 ड्रॉप जो है वो पानी के अंदर डालूंगी इस तरह से, ताकि उसकी स्किन पे जो भी प्रॉब्लम वगैरह हुई हुई है वो ठीक हो जाए, ठीक है। और इसको हमने मिक्स होने देना है। उसके बाद आती है मेडिकेटेड शैम्पू की, क्योंकि हम लोग आज यहाँ पे मेडिकेटेड बाथ देने लगे हैं, तो उसके लिए अच्छा शैम्पू होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप तरह तरह के शैम्पू ट्राई करेंगे या फिर महंगे शैम्पू ही ट्राई करेंगे तो ही ठीक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोग को पहले भी ये बात बता चुकी हूँ। तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर रीमो का, ये देख सकते हैं आप लोग, 120 ml है, और ये सल्फर प्लस शैम्पू मैं यूज़ कर रही हूँ, और मैं तब से यूज़ कर रही हूँ जब से मैंने कैट्स ली हैं। और लिटरली गाइज यहाँ पे इन लोगों ने सारा कुछ बताया, ये है लाइम सल्फर, और ये कैट्स के फंगल इन्फेक्शन के लिए और जो उनकी स्किन पे डिजीज़ वगैरह होती है उसके लिए बेहतरीन शैम्पू है। आप लोग चाहें तो इसके ना बहुत सारे साइजेस अवेलेबल हैं, आप लोग चाहें सबसे छोटा साइज जो है वो ले लें और टेस्ट कर लें अपनी कैट के ऊपर। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से ये, कि इससे आपकी कैट की जो स्किन की प्रॉब्लम है ना वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी और आपको डॉक्टर के पास भी जाना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ जो मैं दूसरा शैम्पू यूज़ करती हूँ मेडिकेटेड, वो ये शैम्पू है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा शैम्पू है। कैट्स को ईचिंग वगैरह हो रही है या फिर जो है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या एंटी डेंड्रव हो रही है कैट्स को बहुत ज़्यादा, या उनके हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जगह जगह से बाल उतर रहे हैं, मतलब एकदम बोलते ना पैचेस पड़ जाते हैं, मानो के हो रहा है कि जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है वहाँ से बिल्कुल ही प्रॉपर बाल उतर गए हैं और दोबारा बाल आ ही नहीं रहे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट शैम्पू है, ठीक है। ये हो गए 2 मेडिकेटेड शैम्पू की बात। इसके बाद जो मैं नॉर्मल शैम्पू यूज करती हूँ, मैं यूज करती हूँ स्नो वाइट शैम्पू, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, और इसकी मैंने 300 ml की बॉटल मंगाई हुई है। वाइट कैट के लिए सबसे बेहतरीन शैम्पू है। जो लोग किटन का पूछने के किटन के लिए बता दें, तो ये किटन के लिए नहीं है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, ये किटन के लिए नहीं है। किटन के लिए इनकी रेंज में और भी शैम्पू आते हैं, आप लोग वो इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है,
कभी भी अपना शैम्पू जो है वो कैट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप करेंगे तो उससे भी कैट की स्किन ख़राब होती है, उससे भी कैट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया था हमारी कैट के साथ, अब ये हो गया, अब उसके सारे बाल उतर रहे हैं, सारे बाल उतर के हाथ में आ रहे। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को बता दूँ, कैट्स के लिए एक अलग शैम्पू आता है और ह्यूमंस का जो शैम्पू होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो इनको आपस में मिक्स ना करें, ना आप ये शैम्पू यूज़ करें और ना अपना शैम्पू अपनी कैट को इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। तो ये बेस्ट शैम्पू है व्हाइट कैट्स के लिए। मैं व्हाइट कैट के लिए इसलिए मेंशन कर रही हूं कि ये है ही व्हाइट कैट के लिए। अगर आपकी कैट ब्राउन है या ब्लैक है तो उसके ना उनकी इसके अंदर भी रेंज है, आप जाकर देख सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा ब्लैक में या ब्राउन में, जो भी शैम्पू आप लेना चाहते हो। इसके साथ साथ मैं ये कंडीशनर यूज़ करती हूँ जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट कंडीशनर है। इससे मेरी कैट को हेयर मैट्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि डेली डेली ग्रूमिंग करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जबकि हमें करना चाहिए बट बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से कैट को हेयर मैट्स की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं एंड में जो है यानी कि शैम्पू के बाद जो है ये कंडीशनर यूज़ करती हूँ, और जब मैं उसके बालों को ड्राई करती हूँ तो बहुत ज़्यादा सिल्की और सॉफ्ट हो जाते हैं, और अगर कोई हेयर मैट्स पड़ा भी होता है तो बाल एकदम से जो है ना वो कोम में निकल आते हैं ईजीली, तो बहुत अच्छा हो जाता है। चलें तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मानो को देने लगी हूँ बात, क्योंकि इसके स्किन प्रॉब्लम हुई हुई है, उसके बाद फिर कैस्पर को दूंगी और साथ साथ आप लोगों को पूरा तरीका भी बताऊंगी। सबसे पहले हमने ये वाला शैम्पू यूज करना है सर पर प्लस, ठीक है। अब आप चाहे तो आप इसके ऊपर ऐसे भी डाल सकते हैं, और चाहे तो आप किसी चीज में लेकर और पानी डाल के फिर भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ मैं अकेली हूँ और एक हाथ से कर रही हूँ तो फिर मुझे इसी के ऊपर डालना पड़ा। अच्छा, इसकी स्मेल थोड़ी सी ना वियर्ड है, इसकी स्मेल बहुत अजीब सी है, जैसे मेडिसिन की स्मेल हो ना, इस तरीके से इसकी स्मेल। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये शैम्पू लगा लिया, अब आपने ना थोड़ी देर वेट करना है, शैम्पू इसके आपने लगे रहने देना थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर आपने इसको वॉश करना है। और अब आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल काम हो गई है, कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ मुझे देख रही है बस, या ऊपर देख रही है मुझे देख रही है, बिल्कुल तंग नहीं कर रही है।
क्लियर करना है, बाकी अपनी कैट को बाहर निकाल देना है। इस तरीके से मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ, साइड पर कर दूंगी और यहाँ पे अब मैं उसको दूसरा शैम्पू लगाऊंगी। अच्छा, आपने इसको पकड़ के रखना है और नहीं बांध देना। ये दूसरा जो मेडिकेटेड शैम्पू है, ये मैं इसको लगा रही हूँ। और ये आपने इसकी बॉडी पे ना अच्छी तरीके से पूरा लगाना है, ऐसे हाथ पैरों पे सब जगह, ताकि कोई भी इन्फेक्शन हुआ हुआ है, कुछ भी हुआ हुआ हो या कोई चीज हुई भी है तो वो ठीक हो जाए। अब आपने इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ देना है। अच्छा, कानों के पास भी होता है इंफेक्शन वगैरह, कैट्स को हो जाता है कानों के पास, तो आप वहां पे भी कोशिश करें, वहां पे भी लगा लें और आप इसको ऐसे छोड़ दें, ठीक है। जब तक बैठेगी घूमेगी तब तक मैं पानी चेंज करती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने पानी जो है वो चेंज कर लिया है और मानो को शैम्पू लगाए हुए भी काफी टाइम हो गया है, मेडिकेटेड शैम्पू जो मैंने लगाया था, अब मैं उसको वापस पानी के अंदर डालूंगी और अच्छे से वॉश कर लूंगी। इस तरीके से आपने इसको बिठाना है और इस तरीके से आप शैम्पू लगाना है। अब ये तो हो गया अच्छे से, इसको प्रॉपर बाथ में लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल शैम्पू यूज करना है अपनी कैट की बॉडी के ऊपर, ताकि उसके हेयर्स वगैरह जो भी टैंगल्स वगैरह हुए हैं वो सब अच्छे हो जाए, क्योंकि ये हो गया मेडिकेटेड बाथ का, ठीक है। अब आपने इसको निकालना है, आराम से बिल्कुल निकालेगा, रिलैक्स एकदम, क्योंकि वो भागने की कोशिश करेगी, और आपने थोड़ा सा पानी जो है वो कम कर देना इस तरीके से, थोड़ा ज्यादा कर लेते और फिर आप पानी फिल कर लीजिए। इस तरीके से आप कर लें और अपनी कैट को उसके अंदर वापस बिठा दें। तो आपने क्या करना है, अब मैं नॉर्मल शैम्पू यूज करूंगी, स्नो व्हाइट जो शैम्पू है वो यूज करूंगी, ठीक है। ये निकल आया शैम्पू, आपने थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डाला और इसको लगाना शुरू कर दिया। अब आपने पूरी बॉडी के ऊपर लगाना है, जिसके फेस के ऊपर भी लगाना है, लेकिन आपने देख कर लगाना है कि आपने इसका कान बंद करना है, ऐसे नहीं लगाना आपने, इसके हाथों के ऊपर लगाना है आपने, अच्छे से आपने करना है। अच्छा, वो थोड़ा सा मतलब करेगी, अनकंफर्टेबल होगी, बट आपने उसको रिलैक्स करना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने मानो को वॉश करके अच्छे से कंडीशनर भी लगा दिया था, बट मेरे फोन की स्टोरेज फुल हो गई थी तो उसकी वजह से वीडियो कट हो गई थी, तो मैं अब आप लोगों को दोबारा दिखाने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा था, मैंने कंडीशनर लिया था और कंडीशनर को थोड़ा सा अपने हाथ पे डाला था, और हाथ पे डालने के बाद हाथ पे ही रब करके फिर मैंने मानो की बॉडी के ऊपर ये कंडीशनर अप्लाई करा था, थोड़ा सा अमाउंट लेकर पूरी बॉडी के ऊपर मैंने अच्छे से रब कर दिया था। मैंने पूरा रिकॉर्ड करा था, पर मुझे जब मैंने देखा तो वीडियो जो क्लिप थी वो डिलीट हो चुकी थी, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को फिर से ये चीज़ बता देती हूँ, काफी सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता तो लोगों को अच्छे से पता लग जाए। अब मैंने उसको 5-10 मिनट के छोड़ने के बाद अब मैं उसको अच्छे से वॉश कर लूंगी या टब में डाल के, और इसको अब थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। अब जल्दी से हम इसको वॉश करेंगे और फिर निकाल के कंडीशनर यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है ऑलरेडी। अच्छे से आपने निकालना है, क्योंकि कंडीशनर काफी बार ऐसा होता है कि लगा भी रह जाता है। बैठ जाओ बेटा, बस थोड़ी सी देर की बात है,
बस थोड़ी सी देर के बाद आपको साफ कर रही हूँ ना, आपको अच्छा अच्छा कर रही हूँ, परेशान मत हो, बस थोड़ी सी देर के बाद। अब एंड में आपने उसका मुंह साफ कर देना अपने हाथ से, डायरेक्ट आपने मुंह के ऊपर पानी नहीं डालना, आपने एंड में उसका मुंह साफ करना। यहाँ पे इसको एक प्रॉपर बाथ हमने दे दिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको टॉवल से ड्राई करना है और उसके बाद आपने इसको ड्रायर कर देना है। अब वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं पहले कैस्पर को नहला देती हूँ और कैस्पर को मैंने नॉर्मल बाथ देना है बस, और फिर मैं आपको उसको लेके जाती हूँ, उसको ड्राई करके दिखाती हूँ। आज अच्छा जी, तो अब मैं इन लोगों को करने लगी हूँ ड्राई। सबसे पहले मैं मानो को करूँगी, क्योंकि मानो जो है ना वो बहुत तंग पड़ती है स्किन पर, तो थोड़ा सा पकड़ के रखना पड़ता है क्योंकि ये तंग पड़ती है इस चीज में करती है। ऐसे आप पकड़ लें और फिर आप हाँ सीधे ले लो, कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर बात दे दिया है और उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप लोग के बहुत सारे सवाल आते रहते हैं मेडिकेटेड बात को लेकर, फंगल इन्फेक्शन को लेकर, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँ कि मेरी अपनी कैट को ये चीज़ हुई थी तो मैंने किस तरीके से इसको डील करा। मैंने घर में ही करा है, मैंने इसको हफ्ते में 3 दफ़ा बाथ दिया। जब आपकी कैट को फंगल इन्फेक्शन या फिर फ्ली वगैरह हो जाती है तो आप अपनी कैट को हफ्ते में 3 दफ़ा बाथ दे सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपनी कैट को ठीक करना है तो उसके लिए आपको उसे बात देना ही पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह है कि इसका ये जो इन्फेक्शन है ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, और उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के लाने वाली हूँ, होममेड से रिलेटेड आएंगी वीडियोज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है। और कैट को स्विच कैसे करवाना है ड्राई फ्रूट से होममेड की तरफ, ये भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली है। अगर आप लोग वो वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन जरूर प्रेस करा करें, इससे आपको नोटिफिकेशन आ जाता है और आप लोग फिर वो वीडियोस देख सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।